11 बजे आएगा मोदी 3.0 का पहला बजट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में पेश करेंगी बजट। पीएम मोदी बोले विकसित भारत बनाने पर केंद्रित होगा बजट। न्यूज 18 इंडिया पर देखिए आसान भाषा में बजट का पूरा विश्लेषण। लोकसभा में बजट पेश होने से पहले विपक्ष की अहम बैठक। सुबह 10:30 बजे कांग्रेस संसदीय दल की बड़ी बैठक। शाम को मल्लिकार्जुन खड़गे की आवाज पर जुटेंगे इंडिया ब्लॉक के नेता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विपक्ष पर बहुत बड़ा हमला। विपक्ष पर पिछले सत्र में 2.5 घंटे तक आवाज दबाने का लगाया आरोप। कहा लोकतंत्र का गला घोटने की हुई है कोशिश। विवाद पर आज भी सुप्रीम कोर्ट में जारी रहेगी सुनवाई। कल एक ही सवाल के दो सही जवाब मामले में कोर्ट ने किया था आईआईटी दिल्ली के विशेषज्ञों की कमेटी बनाने का आदेश। आज कमेटी कोर्ट में दाखिल करेगी जवाब। लोकसभा में नीट विवाद पर हंगामा। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को घेरा। देश के परीक्षा सिस्टम को बताया बेकार। धर्मेंद्र प्रधान ने किया पलटवार। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग पर सरकार का लोकसभा में जवाब। कहा मौजूदा प्रावधानों में नहीं किया जा सकता है विशेष राज्य का दर्जा। लालू ने नीतीश का मांगा इस्तीफा। कावड़ रूट पर नेम प्लेट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम रोक के बाद कई दुकानदारों ने हटाए बोर्ड। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया नोटिस। शुक्रवार तक मांगा जवाब। पाकिस्तानी गायक राहत फतेह अली खान ने दुबई में गिरफ्तारी की खबरों का किया खंडन। लोगों से की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सेना की चौकी पर आतंकी हमला। सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को किया ढेर। बट्टल सेक्टर में एक जवान जख्मी। दोनों तरफ से मुठभेड़ें जारी। भारी बारिश और बाढ़ ने आधे हिंदुस्तान में मचाया कोहराम। गुजरात के द्वारका में हेलीकॉप्टर की मदद से लोगों का रेस्क्यू। देहरादून समेत उत्तराखंड के 3 जिलों में स्कूल बंद। 6 राज्यों में 25 जुलाई तक भारी बारिश का अलर्ट।